वेलकम इन द्विवेदी क्लासेस। आप सभी लोगों का द्विवेदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन वीडियोस को अपलोड करने जा रहा हूँ। वीडियोस अपलोड करने के साथ आपको ये भी बता दें कि मैं हमेशा अपने चैनल पर रेगुलर रहूँगा। आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि कुछ दिनों के बाद मैं चैनल में बंद कर दूंगा और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना भी बंद कर दूंगा। तो आप अगर चाहते हैं अच्छे से पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, तो आप हमारे चैनल पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए जरूरी होता है कि जो भी हम पढ़ें उसका रिवीजन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं वो छोटी छोटी वीडियोज बनाऊंगा, और साथ में आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जितनी, जैसे मान लीजिए जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, तो उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना होगा। रिवाइज करने के दो तरीके होंगे, या तो आप वीडियोस को दो बार देखिए, तीन बार देखिए एक दिन में और रिवाइज करिए, या फिर आप जो भी एक बार वीडियो देखें, अगर आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास नेट कम है, तो आप एक काम करिए कि आप उस टॉपिक को एक बार देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में साथ में रिकॉर्ड कर लीजिए, और रिकॉर्ड करने के बाद में आप उसे बार बार दिन में देख सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा कि दरअसल हमारा जो मन होता है, हमारा जो माइंड है, वो दरअसल रिवीजन करने के बाद ही सही से चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाता है। हम एक मशीन तो है नहीं है जो ऐसे ऐसे हमने किया और सारा हमें याद हो गया। तो ये जरूरी होता है कि अगर हमें चीज़ें रिमेंबर रखनी है तो हमें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ इस चीज़ों से कि मैं कौन कौन से चैप्टर यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, और साथ में आपको ये भी बता दूं कुछ चैप्टरों को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उनको भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं कुछ चैप्टरों को ऐसे ही ओरली आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने लिखे हुए हैं। तो फिर पहले आपका जो चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग सीखोगे किस तरीके से केमिकल इक्वेशन होती हैं और कैसे उनको बैलेंस किया जाता है। दूसरा, एसिड एंड बेस एंड साल्ट। दरअसल क्या है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एसिड और बेस और साल्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। साल्ट को हम जानते हैं कि हम कहाँ खाते हैं बेटा, सब्जी में, हमारी जितनी भी सब्जियां हैं वो सब की सब सब्जियां साल्ट से मिलकर के बनती हैं। दूसरी चीज़, एसिड है जो तुम्हारा, वो बैटरियों से लेकर के तमाम चीज़ों में एसिड का ही होता है। बेस है हमारा, वो एंटी एसिड के काम आता है, मेडिसिन वगैरह बनती हैं। आगे आता है मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमें पता है कि हमारी चेयर से लेकर के हर चीज़ मेटल अथवा नॉन मेटल से मिलकर के बनी हुई है, यहाँ तक कि हमारी गाड़ियाँ वगैरह, व्हीकल्स जो हमारे चलते हैं, वो भी सब मेटल अथवा नॉन मेटल से ही मिलकर के बने होते हैं। नॉन मेटल आप लोग जानते हैं, सीट वगैरह जो मटेरियल होता है, प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है, जो गाड़ियों में यूज किया जाता है, वो नॉन मेटल होता है। और बाकी जो बॉडी है, स्टील वगैरह के इंजन वगैरह, वो सब आपका नॉन मेटल है, मेटल है सॉरी। तो अब आप बात करते हैं कार्बन कंपाउंड। कार्बन तो हम जानते हैं दुनिया में, इसके ही बढ़ने से, कार्बन की मात्रा बढ़ने से, जैसे सीओ टू की मात्रा में जो पाया, सीओ के साथ सीओ टू करके कंपाउंड पाया जाता है, ये कार्बन कंपाउंड ही है, ठीक है। और यहाँ तक कि ये आपका C6H12O6, ये भी कार्बन कंपाउंड है। तो ये कार्बन कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से, और साथ में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे, ओके। अब आता है लाइफ प्रोसेस। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जीवन की जो भिन्न तरह की जो क्रियाएँ हैं तो किस तरह से काम करती हैं, जैसे हमारा डाइजेशन कैसे काम करता है, हम कैसे, कौन कौन से जीव हैं जो डाइजेशन वगैरह करते हैं या फिर एक्सक्रीशन करते हैं, अलग अलग जीवों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हमारे पास है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है, हम किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, हम कैसे दुनिया में सारी चीज़ों को महसूस करते हैं। तो ये चैप्टर में हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अगला चैप्टर है किस तरीके से जीव जंतु, किस तरीके से जीव जंतु रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करने की सबसे बड़ी वजह क्या है, रिप्रोडक्शन करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हर एक जीव और जंतु यहाँ पर जितने भी पाए जाते हैं, वो सब ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी, उनकी जाति जो है इस पृथ्वी पर बनी रहेगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं कि उनकी जो जाति है, जो पार्टिकुलर टाइप की जाति है, जैसे कि कुत्ता है तो कुत्ते के जो मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, पप्पी वगैरह जो होते हैं उनके बच्चे, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी जाति जो है हमेशा पृथ्वी पर बनी रहेगी। कई सारी ऐसी जातियां हैं जो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अडेप्ट नहीं कर पाई, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाई, तो वो पूरी तरीके से क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। अगला हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में ये देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन के दौरान किस तरीके से जीवों के अंदर
डेवलपमेंट आया। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से उनकी बॉडी विकसित हुई और उन्होंने अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव किया चलते विकास के होते हुए। अगर विकास उनकी बॉडी में नहीं होता तो शायद वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे कि डायनासोर्स नहीं कर पाए। डायनासोर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि डायनासोर्स ने बॉडी ने विकास नहीं किया, इस वजह से वो इस पृथ्वी से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसे जीव हैं जो पूरी तरीके से यहाँ से पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। किस तरीके से लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन आपको बता दूं जब होता है, जैसे मान लो हमने टॉर्च पानी में लगाई तो लाइट जो है आपकी जब पानी से होकर के गुजरेगी, ईयर से पानी में जाएगी तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी अपने नॉर्मल पोजिशन से, तो वो कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। अगर हमने मिरर पर लाइट डाली और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो इन सभी चैप्टरों के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, और भी कुछ चैप्टर हैं जिनको मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, उन चैप्टरों को भी आपको यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप इस तरीके से पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए, इंश्योर हो जाइए कि हमारी और तुम्हारी जो यात्रा है वो काफ़ी लंबी रहेगी। तो मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाले चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके।